वेल हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, लेकिन यार मैं बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि मोजांगो देव ने मेरे को ट्रैप कर दिया है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ और सिर्फ लावा है। वैसे पिछली बार मोजांगो देव ने मेरे को ट्रैप किया था डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में, लेकिन हमने जो है वहाँ पे सक्सेसफुली 100 डेज सर्वाइव कर लिया था। एंड अभी हमें इस लावा ओनली वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करना है और एक वॉरियर वाले उन सभी गोल्स को कम्प्लीट करना है, चाहे वो फुल्ली एनचेंटेड नेदराइट के आर्मर्स और टूल्स बनाना हो, एंड ड्रैगन को मारना हो या विदर को मारना हो, और अपने लिए बड़े बड़े कैसल्स और फार्म्स बनाना हो। सो क्या हम आने वाले 100 डेज के अंदर इन सभी गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं एक विलेज के पास में, एंड जैसे ही मैं विलेज के अंदर गया उसमें आग लगना स्टार्ट हो गई थी। मेरे सामने सारी चीजें जल रही थी, मेरे विलेजर्स आग में मर रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ऐसे टाइम में मैंने वुड और फूड को कलेक्ट करना सही समझा। मैंने वुड से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और एक वुडन एक्स बनाई ताकि मैं सारी वुड को जलने से पहले कलेक्ट कर सकूं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक आयरन गोलम दिखा जिसको मारने के बाद मेरे को आयरन मिलने वाला था, पर अफसोस इस बेरहम दुनिया ने उसकी जान पहले ही ले ली। अगली सुबह मुझे एक चेस्ट में 4 आयरन इंगट मिले जिससे मैंने एक बकेट क्राफ्ट कर ली और इस विलेज को छोड़ के नए विलेज की तलाश में चला गया। अब ट्रेवल करने के लिए मैं जो है लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करके ब्रिज बनाते हुए जा रहा था, जिससे मेरा जो है बहुत ही ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा था। एंड यहाँ पर 3 दिनों तक ट्रेवल करने के बाद जो है मेरे को एक नया विलेज मिल गया था, और विलेज के अंदर जाते ही मैंने पूरे विलेज के आसपास के लावा को जो है वो ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरा कोई भी विलेजर या फिर एनिमल जो है लावा में गिर के ना मरे। फाइनली डे 8 को जाके मैंने यहाँ पे एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाया और इससे जो है मैंने बहुत सारा कोबलस्टोन माइन किया। विलेज की चेस्ट में मेरे को कुछ ओक सैपलिंग्स मिल गई थी जो कि मैंने विलेज के अंदर ही लगा दी ताकि बाकी के काम करते वक्त जो है मेरे पेड़ भी बड़े हो जाएं। अब मैंने अपने एनिमल्स को सेव करने के लिए यहाँ पे कोबलस्टोन और ओक फेंस से जो है एक छोटा सा एरिया बनाया, और इनको जो है मैं बीच बीच में ब्रीड भी करवाता रहा ताकि इनकी संख्या जो है बढ़ सके। डे 11 को मैंने अपने विलेज की सारी डर्ट को कलेक्ट कर लिया और उसके नीचे के लावा को जो है ऑब्सीडियन में बदल दिया। एंड इस वाले वर्ल्ड में जो है मुझे लावा से भी बुरी चीज ये लगी कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा स्लाइम स्पॉन हो रहे थे जो कि मेरे को कोई भी काम करने नहीं दे रहे थे, और इग्नोर करने पर तो भाई ये मेरे को धक्का देके लावा में गिरा रहे थे। एंड इस वजह से जो है मेरा पूरा काम इतना स्लो चल रहा था। बट इसी बीच में जो है मेरे सारे ट्री ग्रो हो गए थे तो उनको कट करके मैंने सारी वुड को कलेक्ट कर ली और सैपलिंग्स को दोबारा लगा दिया। अब फाइनली टाइम आ गया था इस लावा ओनली वर्ल्ड में अपने पहले फार्म को बनाने का, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लावा से कुछ ब्लॉक ऊपर अपना फार्म बनाऊंगा ताकि मेरी कोई भी चीज जो है वो लावा में ना जले। ये वाला फार्म फूड फार्म होने वाला था जिसमें मैंने पोटैटो कैरेट और वीट लगाए थे, और इसके पास ही जो है मैंने एक शुगर केन फार्म भी बनाया। तो दोनों के रिप्ले जो है मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, सो एंजॉय द रिप्ले। तो अभी जो है अपने दोनों फार्म बनके रेडी हो चुके हैं, और जैसे जैसे ये ग्रो होंगे अपने को और भी सीड्स और भी शुगर केन्स मिलते रहेंगे और उनको भी हम जो है साथ ही साथ लगाते रहेंगे। एंड आप में से एक सब्सक्राइबर ने मेरी 100 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड वाली वीडियो में कमेंट करके बोला था कि आप अपने वीडियो में जो है मॉब एक्सपी फार्म भी बनाया करो। वैसे मेरे को इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इस वाले वर्ल्ड में जो है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो इस वाले वर्ल्ड में जो है हम मॉब एक्सपी फार्म बनाएंगे। सो हियर्स द रिप्ले ऑफ मॉब एक्सपी फार्म। We'll be right back.
सोबी जो है अपना एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और इससे जो है अपने को अनलिमिटेड एक्सपी के साथ साथ बहुत सारी रेयर चीजें भी मिल रही थी। एक्सपी फार्म बनाने के बाद में मैंने अपने शुगर केन फार्म और फूड फार्म पे थोड़ा सा वर्क किया। डे 25 को मैंने बहुत सारे ट्रीज कट किए और अपने एनिमल्स को ब्रीड करवाया और कैरेट की हेल्प से जो है मैं पिग्स को भी लेके आया और उनको भी जो है साथ में ब्रीड करवा दिया। उसके बाद मैंने अपने सभी विलेजर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करने के लिए एक छोटा सा विलेजर हॉल बनाया और इस वाले हॉल पे जो है मैंने छत नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे को छत बनाने में आलस आ रहा था। सो ये रहा विलेजर हॉल का छोटा सा और क्यूट सा रिप्ले। हॉल बनने के बाद मैंने अपने विलेजर्स को ब्रीड करवाया और उनमें से एक को मैंने वेपन स्मिथ, एक को फार्मर और एक को फ्लेचर बनाया। इस बार मैंने सोचा था कि अपने सारे विलेजर्स की जॉब को जो है मैं मैक्स करूंगा और वेपन स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए अपने को चाहिए होगा आयरन और आयरन मिलेगा अपने को आयरन फार्म से। सो इसके बाद जो है मैंने एक छोटा सा आयरन फार्म बनाया और इस वाले आयरन फार्म की खास बात यह है कि इसको बनाने में आपको ज़ॉम्बी की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट इसकी कमी यही है कि आपको आयरन जो है ओनली डे टाइम में ही मिलेगा। इसके बाद मैंने अपने लिए आयरन के आर्मर्स और टूल्स बनाए और तभी मेरे को दिखे कुछ बिन बुलाए मेहमान और इन बिन बुलाए मेहमान का मैंने अच्छे से स्वागत किया। नेक्स्ट डे मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और नेदर में जाते ही मैंने सबसे पहले एक ही काम किया, बहुत सारा गोल्ड माइन करना। गोल्ड माइन करके मैं सीधा ओवरवर्ल्ड में आ गया। यहाँ पे आके मैंने फार्म पे थोड़ा सा वर्क किया और उसके बाद फ्लेचर को स्टिक्स बेची, फार्मर को वेजिटेबल्स बेची और क्लेरिक को सड़ा हुआ मांस बेचा। और इसी बीच पिलेजर्स का बदला लेने आई एक विच, तो मैंने उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। एंड अभी मेरा वेपन स्मिथ मेरे को डायमंड के वेपन्स दे रहा था तो वो सब खरीद लिए मैंने और फिर इसके बाद मैं चला गया नेदर में पिगलिंस दादा के साथ डील्स करने के लिए। और बहुत सारा गोल्ड लुटाने के बाद मेरे को एंडर पल्स और फायर रेजिस्टेंस के पोशन मिल गए थे एंड लिटरली पहली बार मेरे को नेदर फोर्ट्रेस अपने स्पॉन पॉइंट के इतना पास में मिली थी। तो वहां पे जाते ही मैंने सीधा ब्लेजो को पीटना स्टार्ट कर दिया और पीट पीट के अच्छे खासे ब्लेज रोड भी इकट्ठा कर लिए। बट विदर स्कल्स इकट्ठा करने के चक्कर में तो मेरे को लगा कि मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा, लेकिन फाइनली 3 विदर स्कल्स हो गए और मैं सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। वापस आके मैंने अपने 2 नए विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाया और उनको अपग्रेड करने में लग गया। बचे हुए 1 विलेजर को मैंने आर्मरर बनाया और उसको मास्टर करने के बाद जो है वो मुझे एनचेंटेड डायमंड के आर्मर्स देने लगा, तो वो सब ले लिए मैंने। फिर मैंने लाइब्रेरियन से बुक सेल्स खरीद के एक एनचेंटमेंट सेटअप भी बनाया। सो अभी जो है मैंने अपने आप को पूरा डायमंड में कवर कर लिया था एंड अभी टाइम आ गया था इस डायमंड के आर्मर को नेदराइट के आर्मर में कन्वर्ट करने का। सो इसके लिए जो है मैं नेदर में वाई लेवल 14 पे जाके बहुत सारे बेड्स को ब्लास्ट करता हूँ और बहुत सारे एंशेंट डेब्रीज को कलेक्ट करता हूँ। सो थोड़े टाइम बाद जो है मेरे पास इनफ एंशेंट डेब्रीज हो जाती है तो मैं जो है अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं अपने आर्मर्स और टूल्स को जो है नेदराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इस वाली वर्ल्ड में जो है हम एंडर ड्रैगन को नहीं मार सकते क्योंकि इस वाली वर्ल्ड में जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लावा के नीचे ना तो आप जा सकते हो और ना ही लावा के नीचे आप माइन कर सकते हो। सो एंडर ड्रैगन को मारना इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी अपना एक गोल बचा हुआ है और वो है अपने लिए बहुत ही बड़ा और सुंदर कैसल बनाना। सो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको ले चलता हूं अपने कैसल के रिप्ले की तरफ। We'll be right back.
सोबी जो है अपना कैसल बनके रेडी हो चुका है, तो मैं जो है आपको इसका जल्दी से एक टूर दे देता हूँ। सो यहाँ से जो है हम लोग कैसल के अंदर एंटर होते हैं, और कैसल के बाहर जो है मैंने थोड़ा सा एरिया रखा है, और दोनों साइड पे जो है मैंने आयरन गोलम को स्पॉन करके रखा है, ताकि बाहर जो भी स्लाइम्स स्पॉन होना तो आयरन गोलम उनको मार दे। सो ये जो है अपना कैसल का मेन एंट्रेंस है, और इन चार में से तीन पिलर जो है मैंने एक जैसे बनाए हैं, और एक पिलर जो है वो अलग बनाया है। इन वाले पिलर्स से जो है हम लोग टॉप पे जा सकते हैं। और यहाँ से जो है अपने को पूरा व्यू दिखता है अपने विलेज का। यहाँ पे मैंने अपना बेड लगाया है, और मेरे को पता है ये थोड़ी पुरानी टेक्निक है, लेकिन मेरे पास कोई और आइडिया नहीं था, तो मैंने इसी आइडिया से ये बेड बना दिया। एंड ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। इधर पे मैंने अपना लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप लगा रखा है, और यहाँ पे स्टोरेज रूम बना रखा है। और यहाँ पे मैंने अपने फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस लगा रखे हैं। और इस वाले कैसल में जो है मैंने एक झूमर टाइप का बनाया है, तो कमेंट करके बताना ये वाला कैसा बना है, और आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट करके बताना मुझे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू वाले बेल आइकन को भी फोन पे प्रेस कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।